खनन विभाग प्रदेश में चलाएगा महाअभियान। अवैध खनन खिलाफ 15 से 31 जनवरी तक महाअभियान चलेगा। खनन माफियाओं पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। खान, राजस्व, पुलिस, परिवहन, वन विभाग का संयुक्त अभियान चलेगा। खान सचिव आनंदी के अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सभी अधिकारियों को अभियान में जुटने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो खनन माफियाओं की अब खैर नहीं, खनन माफियाओं पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। खनन विभाग प्रदेश भर में अब महाअभियान चलाने वाला है। आपको बता दें कि अवैध खनन खिलाफ 15 से 30 जनवरी तक महाअभियान चलेगा और माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। खनन माफियाओं पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, जिसको लेकर तैयारी की जा रही है। खान, राजस्व, पुलिस, परिवहन, वन विभाग का संयुक्त अभियान जारी है। संवाददाता सुनील यादव हमारे से जुड़ चुके फोन लाइन पर, इस पर और अधिक अपडेट देने के लिए। सुनील, खनन माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, जिसको लेकर अब विभाग अब जुट चुका है तैयारियों में। हाँ जी बिल्कुल रीता, देखिए कि जो खनन की अवैध गतिविधियां हैं उसको लेकर राजस्थान में अलग अलग जगहों से लगातार खबरें सामने आती रहती हैं और जो खनन माफिया है वो एक डर का माहौल बन चुका है लोगों के बीच में। पिछले दिनों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसको लेकर एक बैठक की थी, हाई लेवल बैठक हुई थी, उसमें स्पष्ट निर्देश दिए थे कि राजस्थान में किसी भी तरह का अवैध खनन नहीं होना चाहिए और जो अवैध खनन की गतिविधियों को जो अंजाम दे रहे हैं उनको बेनकाब करना चाहिए और इस तरह की तमाम गतिविधियों को जल्द से जल्द बंद करना होगा और जो विभाग है संबंधित वो इसको लेकर तुरंत कार्रवाई करे। विभाग है हरकत में आया और आज जो अभी नवनियुक्त जो ACS है खनन विभाग की आनंदी, वो बैठक तमाम अधिकारियों का और स्पष्ट निर्देश दिए कि एक अभियान नहीं महाअभियान चलाया जाए और जो अवैध खनन है उसका सफाया किया जाए और जो खनन माफिया लिप्त है उनको सामने लाया जाए, गिरफ्तार किया जाए या फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बड़ी बात यह है कि कई बार विभाग है वो अकेला कार्रवाई करता है तो किसी कारणवश कई जो अवैध गतिविधियां वो पूरी नहीं हो पाती है, लेकिन इस बार पूरी तैयारी कर ली गई है। इसमें खान विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस, परिवहन और वन विभाग संयुक्त रूप से मिलकर कार्रवाई करेगा। किसी मोर्चे पर जो अवैध खनन है वो हो नहीं पाएगा। हर तरह से जो अवैध खनन को जो अंजाम देते हैं यानी जो खनन माफिया है उन पर चौतरफा जो जाल है वो बिछा लिया गया है, क्योंकि सभी जो संबंधित विभाग हैं वो मिलकर कार्रवाई उन पर करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका नतीजा भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अवैध खनन के नित नए मामले सामने आते रहते हैं। जो बेखौफ जो अवैध जो खनन माफिया जो लोग हैं वो कई गतिविधियों को अंजाम देते हैं, उसमें आम लोग भी परेशान होते हैं और कई बार प्रशासन से भी टकराने जैसी खबरें सामने आती रहती। तो ये कदम है, ये वाकई में सराहनीय कदम है और इसके नतीजे हैं वो भी सकारात्मक आने चाहिए, ऐसी उम्मीद है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, आप जो माफिया हम खैर नहीं है, कठोर से कठोर कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। स्ट्रैटेजी किस तरीके से सुनील विभाग बना रहा है माफिया को पकड़ने के लिए, इन पर कार्रवाई करने के लिए? बिल्कुल, देखिए रीता, इसमें एक चेकलिस्ट बनाई जा रही है कि किस तरह के जो यहाँ पर अवैध खनन, क्योंकि अलग अलग रीजन में अलग तरह के जो खनन है अवैध खनन वो हो रहा है, क्योंकि कहीं बजरी खनन हो रहा है और कहीं जो माइंस है यानी जो पत्थर है वो अवैध रूप से निकाला जा रहा है और उसका जो सप्लाई वो की जा रही है। तो यहाँ चेकलिस्ट बनाई जा रही है कि किस तरह का जो अवैध खनन हो रहा है और उस पर कार्रवाई के लिए क्या बेहतर से बेहतर किया जाए ताकि वो उस क्षेत्र में जो जिनका इस तरह का जो बोलबाला है माफियाओं का वो बोलबाला खत्म हो। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इसमें जो स्ट्रेटजी रणनीति वो ये कि जो सारे विभाग हैं, कि कई बार मामला जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का आ जाता है कि जो जंगल का क्षेत्र है उस तरफ से कई जो गतिविधियों को अंजाम देते हैं, तो ऐसे में जो चौतरफा जो एक स्ट्रेटजी है कि किस तरह से उनको घेरा जाए और किस तरह से कार्रवाई तक पहुंचा जाए, तो इसको लेकर जो सभी विभाग मिलकर है वो रणनीति तैयार किए हैं और हर एक क्षेत्र में अलग अलग जो टीमें हैं वो संयुक्त रूप से कार्रवाई को अंजाम देंगी। चलिए शुक्रिया सुनील आपका अधिक जानकारी देने के लिए।